नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। वक्त हो चला है सुपर फास्ट का, आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। बिहार के लिए राहत भरी खबर, कोरोना वायरस के 52% मरीज हुए ठीक, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया रिपोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के विरोध में रालोसपा ने मनाया काला दिवस, धरना पर बैठे उपेंद्र कुशवाहा। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाने की पुलिस ने डीजीपी एवं डीएम का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने वाले शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के सीएम से बात, लॉकडाउन पर होगी चर्चा। बिहार के पीएमसीएच में छठे कोरोना मरीज की हुई मौत, बाढ़ के रहने वाले 60 वर्षीय मरीज का आत्मनगोला क्वारंटाइन सेंटर में पाया गया था पॉजिटिव। रोहतास जिले के बंजारे में 45 वर्षीय चाचा ने अपने ही नाबालिग भतीजी के साथ किया रेप, पुलिस ने आरोपी युवक खलीफा अंसारी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले के रोसा थाने की पुलिस ने पुरानी चौकी के पास से 8 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले के छतौना गांव में खेलने के दौरान एक बच्चे के शरीर पर गिरा दीवार, जख्मी हालात में हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। तेलंगाना से पैदल समस्तीपुर पहुंचे 3 युवक, जांच के बाद भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। हाजीपुर में लॉकडाउन में हुई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुल्हा दुल्हन ने छड़ी से पहनाई एक दूसरे को माला। मुंगेर के प्रेम टोला फरदा के पास NH-80 पर तेज रफ्तार पिकअप ने मजदूरों को रौंदा, हादसे में 2 लोगों की गई जान जबकि 1 घायल। कोरोना वायरस को लेकर खगड़िया डीएम सजग, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा सचेत हो जाए, जिले में पांव पसारने लगा है कोरोना वायरस। बेगूसराय में बरौनी थलमर के द्वारा किसानों के 496 एकड़ उपजाऊ जमीन को जबरन अधिग्रहण करने के विरोध में आए किसान, कहा किसी भी शर्त पर नहीं देंगे जमीन। अज्ञात वाहनों की ठोकर से साइकिल सवार घायल, बेगूसराय के 13 थाना क्षेत्र के NH-28 का है मामला। खगड़िया जिले से 349 सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 315 सैंपलों की आई रिपोर्ट, 5 सैंपल पॉजिटिव और 310 नेगेटिव। सिवान के मैरवा पुलिस ने 5 दिनों के अंदर 25 से अधिक शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, थाना क्षेत्र में शराब की कर रहा था होम डिलीवरी। कैमूर जिले में भूत प्रेत के चक्कर में महिला की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार जब्त। बेगूसराय जिले के नावकोठी में एक युवक नशे की हालात में हुआ दुर्घटना का शिकार, PHC में कराया गया भर्ती। नवादा जिले के बरियारपुर गांव में पप्पू कुमार नामक युवक को अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। मधुबनी जिले से पैदल चलकर कोलकाता जा रहे 3 मजदूर 3 दिन में समस्तीपुर के विभूतिपुर तक का किया सफर। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।